स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको पीछे का गला इसमें कैसे बड़ा करना है मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारा आगे का गला है और इसमें ये हमारा इसमें पीछे का गला है। तो इसको हमने खोलकर इसमें हमने डीप गला इसका करना है। तो किस तरह से करना है मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको, तो ये हमारी उल्टी साइड है, इसको उल्टा करने के बाद सबसे पहले हमें जो ये गला है बना हुआ है इसमें हमें इसको खोलना है। और जो ये हमारे तीरे हैं इनको हमने थोड़ा थोड़ा खोलना है दोनों तीरों को। और उसके बाद जो ये हमारा इसके ऊपर बुकरम का गला बना है इसको उतार कर हमें इसके ऊपर रेप का गला बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इस पर से गला अपना हट अलग कर लिया है। तो ये बुकरम के ऊपर पहले बना हुआ था तो हमें इसको डीप करना है। बुकरम में गला वैसे भी क्योंकि कटाव के कारण छोटा हो जाता है तो इसके ऊपर हम रेप का गोल गला बनाना है। तो वो किस तरह बनाना है मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले जो हमारे पीछे का पीस है इसको निकाल कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने पीछे का पीस अलग कर लिया और ये जो आगे का पीस है इसको हमने अलग रख दिया है। और ये हमने, ये देखिए हमारा आगे का पीस हमने साइड कर दिया और ये सिर्फ हमारा पीछे का पीस है। और सबसे पहले जो हमें इसकी लंबाई है वो 7.5 लेनी है। तो हम इसको 8 लेंगे, आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाता है इसलिए। और यहाँ से हम 2.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे और ऊपर भी हमने ये इसमें 2.5 इंच की थी तो हम इसको इस तरह से मिला देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर गोलाई देंगे इसकी इस तरीके से। तो ये 1/2 इंच की हमने यहाँ पर गोलाई दी है और इसकी हम गोलाई देकर इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। और ये हमारा इस तरह से पीछे का पीस गोलाई में रेप की पट्टी लगाकर हम इसको बनाएंगे। तो ये इसका हमारे पास कपड़ा पड़ा हुआ है, इसमें से हम रेप की पट्टी निकालेंगे। तो रेप की पट्टी की मैंने वीडियो पहले भी डाली हुई है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। और इस तरह से हमें रेप की पट्टियाँ निकालनी हैं। तो ये हमें 2 पट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी और ये हम 1.5 से 2 इंच तक इन पट्टियों को निकाल सकते हैं। तो ये 2 पट्टियाँ हमें इसमें लगाने के लिए काफ़ी हैं। तो सबसे पहले हम इनको इस तरीके से जोड़ देंगे। ये हमने इस तरीके से करके, और ये थोड़ा कोना हमारे इधर है और थोड़ा ये कोना हमने इधर निकालना है। और इस पर हमें एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने अपनी ये पट्टियों को जोड़ना है और ऊपर से एक तरफ से हमें इसको सीधा करना है। तो इसको हमने एक साइड से हमने सीधा कर लिया। अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। और जो हमारा पीछे का पीस है और इसके थोड़े थोड़े हमने कंधे भी खोले थे तो इनको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से सिलाई में लेके, जैसे हम रेप की पट्टी लगाते हैं नॉर्मली उसी तरीके से हमें इसमें पट्टी लगानी है। ये पूरे गले में हम इसी तरह से अपनी रेप की पट्टी लगाएंगे। इस तरह आप कोई भी छोटा गला हो किसी तरह का डिजाइन का तो आप इस तरह से, या रेप का ही पहला गला बनवाओ तो उसको, यदि वो गला हमारा छोटा है तो उसको हम इसी तरीके से काट करके उसको हम बड़ा गला बना सकते हैं। तो इस साइड, दोनों साइड से हमने अपने कंधे खोले हुए थे तो इस तरह से खोलकर हम, ये आसान हो जाता है हमारे लिए लगाना। यदि हमारे कंधे पर सिलाई लगी होगी तो ठीक तरह हमारी इस पर सिलाई नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से तो ये देखिए, ये हमारी पूरे गले पर पट्टी रेप की लग चुकी है। और जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कटिंग कर देंगे। और उसके बाद जो हमारे ने बदला बनाया है तो जैसे हम कट लगाते हैं छोटे छोटे उसी तरह हमें कट लगाने हैं। इस
तरह से झंडे झंडे हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। और उसके बाद हम इसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमने अपने कंधे खोले थे उनके ऊपर हमने जैसे पहले हमारी ये पट्टी लगी होती है उसी तरीके से हम इसको इस तरह पलटेंगे और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा देंगे। तो दोनों कंधों पर हमें इसी तरह सिलाई लगानी है। तो इस पर भी हम इसी तरह खोलकर इसको पट्टी को अपनी इसी के ऊपर पलट कर इस तरह सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये हमारा पीछे गला बनकर तैयार है और अब हम इस पर इस तरह से तुरपाई कर देंगे। तो अभी हम इसके ऊपर एक अच्छी सिलाई लगाते हैं, बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई कर देंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर अभी एक अच्छी सिलाई करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर तुरपाई कर देंगे। तो देखिए ये हमारा हमने इसमें रेप की पट्टी लगाकर गला बड़ा कर दिया। हम इसको सीधी तरफ से आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ये हमने इसके पीछे डीप गला कर दिया है तो यहाँ पर हमारी तुरपाई हो जाएगी। तो ये हम कच्ची सिलाई खोल देंगे। तो इस तरह से आप कोई भी बड़ा गला आसानी के साथ बना सकते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।